अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं पेशल 2023 किया कराची के क्लियर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने हमारे न्यूज़ कटकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे न्यूज़ कटकट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पेशल 2023 के या कराची किंग प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। कराची किंग के लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इमाद वसीम की टीम के पास टॉप फोर में जगह हासिल करने का बहुत कम मौका है। इमाद वसीम की क्यादत में कराची किंग ट्वीट आकर से पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की सबक चैंपियन कराची किंग को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से शिकस्त का सामना पड़ा। तहम इनके लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। इमाद वसीम की टीम के पास अब भी टॉप फोर में जगह हासिल करने का बहुत कम मौका है। मौजूदा पॉइंट टेबल में लाहौर कैलेंडर टीम इंचो में 10 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड कैलेंडर की इतने ही खेलों से 8-8 पॉइंट हासिल की है। पेशावर जलमी ने 6 गेम्स में 6 पॉइंट हासिल की है, जबकि कराची किंग इस वक्त 6 गेम्स में 4 पॉइंट के साथ पांचवी पोजीशन पर है। ग्लेडिएटर 6 गेम्स में 2 पॉइंट के साथ टेबल के सबसे नीचे है। सबसे पहले और अहम बात, कराची किंग अपने बाकी दो मैच जीतने की ज़रूरत है क्वेटा ग्लेडिएटर और लाहौर कैलेंडर के खिलाफ, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो लीग मरहला के अख्ताम पर 8 पॉइंट के साथ ख़त्म हो। इस तरह खेलों की खबरों से जुड़ने के लिए न्यूज़ क्रिकेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।